आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाना है ऑनलाइन, आप भी खुद घर बैठे बना सकते हैं। तो किस प्रकार से बनाना है आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करिएगा। हाँ गाइस, शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करिएगा तो आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आएगा कहाँ पे क्या भरना है, किस प्रकार का बनाना है, क्या क्या जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए डॉक्यूमेंट लगेगा, वो पूरी जानकारी बताएंगे। और हाँ गाइस, आपने हमारे चैनल अपना सेवा केंद्र चैनल में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियोस हमारे चैनल में आते रहते हैं। देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक बीसी कैसे लेना है, खाता कैसे खोलना है, ग्रामीण बैंक का खाता कैसे खोलना है, और इस प्रकार के यदि आपके पास प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन किस प्रकार से करना है, ये सब वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आते रहते हैं। तो चलिए गाइस, जानते हैं किस प्रकार से हम लोग किसी भी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे बनाते हैं उसको जानते हैं। तो हम लोग अपना आईडी को इस प्रकार से आईडी चालू कर लिए हैं। आईडी चालू करने के बाद देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा है, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे देख सकते हैं बर्थ अप्लाई ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग आगे का ऑप्शन में पहुंच जाएंगे जहां से हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म है। ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म इस प्रकार से खुल गया है। अब यहाँ पे जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र हम लोग को बनाना है उनका सारा डिटेल डालना है। तो जिनका बनाना है उनका यहाँ पे नाम डालेंगे, उनका आधार नंबर डालेंगे, आधार कार्ड है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लिंक डालना है मेल है कि फीमेल है, और यहाँ पे उनका जन्म तिथि डालना है। यहाँ पे उनका ऑटोमेटिक इंग्लिश में जन्म तिथि लिखा जाएगा। उसके बाद जन्म स्थान डालना है, वे कहाँ जन्म हुआ है, अस्पताल में हुआ है, गांव में हुआ है, वहां पर को डालना है। यहाँ पे पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पिताजी का आधार कार्ड डालना है, यहाँ पे माताजी का नाम डालना है, यहाँ पे माताजी का आधार कार्ड नंबर डालना है। इस प्रकार का हम लोग को ये पूरा डिटेल भरते जाना है। आधार कार्ड नंबर डालने से वेरीफाई होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरा डिटेल ऊपर का भर लेंगे। भरने के बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं स्थायी पता क्या है, उनका स्थायी पता यहाँ पे डिटेल डालना है। उसके बाद जन्म के स्थान समय का यहाँ डालना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पंजीकृत तिथि, तो अभी पंजीकृत तिथि बताएंगे। और स्टेट का, पूरे स्टेट का यहाँ पे है छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड, जिसका भी यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ऑनलाइन पूरा चीज दिखाएगा, ठीक है ना। और हॉस्पिटल का नाम, कि किस हॉस्पिटल से आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस हॉस्पिटल का नाम भी यहाँ दर्ज करना रहता है। तो चलिए हम लोग पूरा भर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे की जानकारी। तो इस प्रकार से मैं पूरा डिटेल यहाँ पे फिल कर चुका हूँ उनका। अब बताता हूँ यहाँ पे पंजीकृत तिथि, स्टेट और यहाँ पे हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल से हम बनाने वाले हैं उसकी जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकृत तिथि दिया हुआ है। तो पंजीकृत तिथि हम लोग को कब लगाना है, जिस दिन हम लोग आवेदन कर रहे हैं उससे 5, 6 दिन या 10 दिन पिछला डेट को हम लोग पंजीकृत तिथि हमें सेलेक्ट करते हैं। आज 25 तारीख है तो मैं 20 तारीख यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रहा हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट का, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम अपना नजदीकी हॉस्पिटल को चूज कर लेते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से अपना नजदीकी का हॉस्पिटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट ऑप्शन दिया गया है। पूरा डिटेल को हम लोग यहाँ पे भर चुके हैं। सबमिट यहाँ पे जैसे दिया गया है, उस सबमिट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, जिसका हम लोग जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे। तो इस प्रकार का पूरा डिटेल हम लोग को जन्म प्रमाण पत्र बनाना है किसी व्यक्ति का फॉर्म भर के। तो देख सकते हैं इस प्रकार का यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आ गया है, डाउनलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो इस प्रकार का हम लोग का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन होकर आ जाएगा। इस प्रकार का शो होगा और यहाँ पे देख सकते हैं क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करेंगे हम लोग तो ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे शो हो जाता है। आप भी किसी भी व्यक्ति के यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आपको आईडी पासपोर्ट चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कॉल बैक या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस प्रकार का बनाना था। और हाँ गाइस, आपने हमारे यूट्यूब चैनल अपना सेवा केंद्र चैनल में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियोस आते रहते हैं और आपको मिलेंगे सबसे पहले।